नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। पहली खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है। आपको बता दें, जालौन में बाल मजदूर प्रथा का प्रचलन फिर से शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने बाल श्रम रोकने के लाखों प्रयास किए, लेकिन बाल मजदूर प्रथा का प्रचलन फिर से शुरू होता नजर आ रहा है। जनपद में जगह जगह बाल मजदूर काम करते नजर आ रहे हैं, जो कि जिस उम्र में हाथों में पेन और किताब होना चाहिए था, उस उम्र में बच्चों के हाथों में जूठी थाली, तो कहीं प्लास और पेचकस या फिर होटलों पर थाली परोसते और लोगों की जूठन साफ करते नजर आएंगे। जालौन में तो मानो बाल मजदूरी का क्रेज ही आ गया। जालौन और उरई कस्बे में सैकड़ों की संख्या में दुकानों, होटलों और चाय की दुकानों पर ये बाल मजदूर अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए काम में लगे रहते हैं। इसका प्रमुख कारण, बच्चों को थोड़ी सी मजदूरी देकर पूरा दिन काम करवाते हैं। जब एबी स्टार न्यूज के संवाददाता ने बाल मजदूरों से बात करने की कोशिश की तो बाल मजदूर भय के कारण आवाज नहीं निकलती नहीं इनकी, और वहीं ज्यादा पूछने पर मजदूर इधर उधर भाग खड़े हुए। अब बड़ा सवाल यह है कि इन नौनिहालों को न्याय कौन दिलाएगा। यूपी के बागपत से खबर है। आपको बता दें, बागपत में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। बागपत कुतवाली पड़ोस पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें ईंट भट्टा मालिक के साथ हुई लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों में से एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दो बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से जंगलों में फरार हो गए। फिलहाल पुलिस घायल हुए बदमाशों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराकर फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह ढिकाना गांव के पास ईंट भट्टा मालिक महेश गोयल से 3 लाख रुपए लूटने की घटना में पकड़े गए आरोपी दुष्यंत से पूछताछ में बताया कि शाम लगभग 6:30 बजे उसे अपने साथियों के साथ ढिकाना गांव के जंगल में एक नलकूप पर मिलना हुआ था। यह तय हुआ था कि लूट की घटना के बाद सभी नलकूप पर मिलेंगे, इसीलिए पुलिस की टीम शाम को नलकूप पर पहुंची तो वहां 3 युवक रुपयों का बंटवारा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा तो आरोपी फायरिंग करते हुए फरार होने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें वीरेंद्र उर्फ नैयर घायल हो गया, जबकि मौके से अंकुर और अनुज निवासी तमेलागढ़ी फरार हो गए। वहीं आरोपियों से ईंट भट्टा मालिक से लूट के 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अन्य दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से लूटे गए 50,000 रुपए और एक तमंचा कारतूस के साथ बरामद किया है। आपको बता दें कि बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में ढिकाना गांव के पास बेखौफ बदमाशों ने शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे ईंट भट्टा मालिक महेश गोयल से हथियारों के बल पर 3 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, और व्यापारी ने उस दौरान फरार चल रहे बदमाशों की मोटरसाइकिल में अपनी कार से टक्कर मार दी थी, जिसके चलते ही एक बदमाश को पकड़ लिया गया था, जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश में जुटे पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। और पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, आज सुबह बड़ौत थाना क्षेत्र में राजपुर खामपुर गांव के पास श्री भट्टे पे जो महेश गोयल जी का है, उसमें 3 व्यक्तियों द्वारा एक उनसे 3 लाख रुपए छीने गए थे। मोटरसाइकिल पे जो लड़के आए थे और उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था और मौके से ही गिरफ्तार हुआ। दो के लिए टीमें रवाना थी और सूचना ये मिली थी कि कुछ उसी जो भागे हुए बदमाश हैं वो कहीं पर बैठ के माल का बंटवारा कर रहे हैं। इस सूचना पर बड़ौत की टीम ने आके उस जगह की तलाशी ली, वहाँ पे उनको बदमाशों ने उनके ऊपर फायर किया, जिसके जवाबी फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी है और उससे 50,000 रुपए बरामद हुए। देखिए, आज सुबह बड़ौत थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मिर्जापुर पहुंचे, जहाँ उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खबर है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह से फेल हो गई है।
युवा विद्यार्थी, महिला, किसान और व्यापारी सभी सरकार से विश्वास उठ चुका है सबका। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भाजपा के संकल्प पत्र को भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि 5 बार के बजट में केवल जनता को सरकार ने लूटा है। प्रदेश के नौजवान बेरोजगार हैं, कमर तोड़ महंगाई ने सबकी हालत पतली कर दी है। नगर स्थित एक होटल में मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने केवल जनता को गुमराह किया, इससे सभी वर्ग नाराज हैं, विशेषकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक। सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अखिलेश ने कहा कि प्रदेश की जनता ने सपा के विजन को देखा है। सड़क से लेकर अस्पताल तक सरकार ने जनता के लिए हर सुविधा मुहैया कराई, चाहे वह एम्बुलेंस हो या 100 डायल हो। विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया गया, बीजेपी ने जनता के लिए क्या दिया? किसानों को सम्मान राशि दिया, पर वह डीजल, बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों को बढ़ाकर महंगाई से सब कुछ छीन लिया। यही जगह पर जहां नेताजी ने कभी कन्यादान बांटा, हम लैपटॉप बंटवाए हैं, आज भी लैपटॉप चल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? किसानों को दे दिया सम्मान राशि, लेकिन सब पैसा वापस ले लिया महंगाई से। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी। आप बिजली का बिल कितना महंगा है, एक यूनिट बिजली नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और बताइए बिजली कितनी महंगी हो गई। अखिलेश जी, अभी 2022 में ठंडी की वजह से क्या पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं क्या? किसकी वजह से? ठंडी की वजह से। ठंडी की वजह से। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का क्या तर्क है, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है। देवरिया में 3 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें 3 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया जनपद के पथरदेवा विधानसभा अंतर्गत आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मेले में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के वैज्ञानिकों ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने को लेकर किसानों को नई तकनीकियों पर व्याख्यान दिया। कृषि मंत्री ने मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि देवरिया के किसानों के अलावा पूरे प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी हो, इसका हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस उद्देश्य से हमने यहाँ विराट किसान मेले का आयोजन कराया है, जिससे यहाँ के अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो या किसानों की ऋण मोचन योजना, हमारा प्रयास रहा है कि देवरिया के किसान इस योजना का भरपूर लाभ उठाए। आंकड़ों पर जोर देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में देवरिया के किसान योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मेरा प्रयास है कि आप सभी कृषि की नई तकनीकियों से अवगत होकर कृषि क्षेत्र में उन्नति करें। हालांकि इस मेले में किसानों की भीड़ नदारद रही, वहीं अधिकांश कुर्सियां खाली दिखी। इस दौरान कृषि मंत्री ने उन्नतशील किसानों को ट्रैक्टर की चाबी के साथ प्रमाण पत्र भी वितरित किया। कृषि शिक्षा से संबंधित पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री शाही ने कहा कि मेरा प्रयास है कि देवरिया में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो, पर सैकड़ों एकड़ भूमि की कमी के नाते देवरिया में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो पा रहा है। विराट किसान मेले के माध्यम से खेती के विभिन्न तकनीकों को जानकारी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा और हमारे अधिकारियों के द्वारा दी जाती है। जो किसान अपने खुद के प्रयासों से अच्छी सफलता प्राप्त किए हैं, उनकी सफलता के कहानियों के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जाता है। और हमारे विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र और आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, गन्ना विभाग और उद्यान विभाग और कृषि विभाग ने जो अच्छे प्रयास किए हैं, उन अच्छे प्रयासों से लाभान्वित किसानों को पुरस्कृत करके अन्य किसानों को भी प्रेरित किए जाने का काम किया जा रहा है। विराट झांसी में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई, जहां पर मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। शाम लगभग 5 बजे गुड़सराय से अपने घर मढ़ा जा रहे मोटरसाइकिल पर 3 लोग ट्रैक्टर में जाकर भिड़े और बुरी तरह जख्मी हो गए। चश्मदीदों के अनुसार जिस ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हुई थी, मौके से ट्रैक्टर चालक भाग खड़ा हुआ और लोग ट्रैक्टर सहित चालक को नहीं पकड़ पाए। मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के बीच जो भिड़ंत हुई वह इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल चालक अंकित की मौके पर ही मौत हो गई।
एकत्रित भीड़ ने गुड़सराय पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गुड़सराय एसआई सुमित कुमार चौहान मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने अंकित पुत्र घनाराम को मृत घोषित किया और घायल भारती पत्नी अरविंद और लाड कुंवर पत्नी मानसिंह की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि मृतक अंकित के पिता घनाराम ने बताया कि हमारे दो पुत्र थे, बड़ा अंकित और छोटा प्रदीप। अंकित इंटरमीडिएट हमीरपुर से पास कर बीए उरई के किसी महाविद्यालय से कर रहा था और वहीं हम मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। हमारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बड़े पुत्र के मृत होने से परिवार सहित गाँव के लोग सदमे में है, क्योंकि अंकित एक मिलनसार युवा था जो सदैव लोगों के कार्यों में तत्पर रहता था। इस घटना को लेकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ट्रैक्टर वाले बाइक में ट्रैक्टर मार के चला गया। लगभग आधा घंटा हो गया मुझे आते हुए। मैंने कॉल किया डायल 100 को, लगभग आधा घंटा हो गया। डायल 100 जो समय होना चाहिए उस समय से नहीं आती हुई, आधा घंटा लेट है। नहीं, एम्बुलेंस कितनी देर बाद आई? एम्बुलेंस को आधा घंटा हो गया। आध घंटे में एम्बुलेंस आई है, जबकि आध घंटा पहले सूचित कर दिया था। कितने लोग घायल हुए? 3 लोग घायल हैं, 2 लेडीज एक जेंट्स। ट्रैक्टर वाला। फिरोजाबाद में पुलिस ने अपहरण युवक को किया बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में अपहरण किए हुए युवक को पुलिस ने आगरा जिले से बरामद किया है। बदमाशों ने अपहरण की पत्नी से 10 लाख की फिरौती मांगी थी। बता दें कि फिरोजाबाद के थाना टूंडला पुलिस और एसओजी पुलिस ने कैलाश चंद्र नामक युवक को बदमाशों के चंगुल से आजाद कर दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह थाना टूंडला के हजरतपुर एनएच2 से कैलाश नामक युवक का बदमाशों ने अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगी थी। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस तुरंत हरकत में आ गए। फिरोजाबाद की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर अपहरण को आगरा जिले के थाना खंदौली के गाँव से सकुशल बरामद किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। अपहरण की बरामदगी के लिए फिरोजाबाद एसएसपी अजय कुमार पांडे ने कुल 5 टीमों को लगाया था, जिसमें पुलिस को कैलाश नामक अपहरण को बरामद करने में कामयाबी मिली है। अब पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। वहीं पकड़े गए अपहरणकर्ताओं के नाम मुकेश कुमार बघेल और ब्रजकिशोर बघेल है। तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई 364A IPC का, और अपहृत की बरामदगी के लिए 5 टीमें, तेज तर्रार टीमें, हरवेंद्र मिश्रा, कुलदीप सिंह, थाना प्रभारी टुंडला रामेन शुक्ला और सब इंस्पेक्टर टुंडला, इनको लगाया गया और मुकेश चंद्र मिश्र SPCT फिरोजाबाद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। हमने अपहृत को सकुशल आगरा के खंदौली इलाके से पुराने मकान से 8 घंटे के भीतर बरामद करने में सफलता पाई है। तत्काल यूपी के सिद्धार्थनगर में शौच करने गए 60 साल के युवक की पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर है। मामला जिले के लोटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा एक डेगवा के टोला मैनाहवा में रहने वाले 60 वर्षीय व्यक्ति का है। शौच लगने पर अपने ही घर के पीछे शौच के लिए गया। कुछ समय बाद उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वाले पहुंचे तो देखा कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग लात घूसे से उस व्यक्ति को मार रहे थे, जिसको लोगों ने छुड़ाया और जिसकी आज सुबह अचानक मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो जाने से पूरा परिवार सदमे में है। वहीं परिवार वालों ने पड़ोसियों पर अपने पिता को शौच के लिए पहले जाती सूचक गाली देते हुए और उनके पिता को लात घूसों से मारा, जिससे उनके गुप्तांगों में चोट लगे, जिससे उनकी आज मृत्यु हो गई। परिजनों ने जिसकी तहरीर भी थाने में दी है, और वहीं मौके पर पहुंचे सदर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की गई। उनके गुप्तांगों में चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जिनकी गार्जियन स्वरूप रघुवीर, जिनकी उम्र 60 वर्ष थी, वो अपने घर के बगल में ही पेशाब कर रहे थे। उसी घर के पीछे वीरमती का घर है, वाइफ आप तौलम को पेशाब करने के लिए मना की,
इस पर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ। ये घटना 24 तारीख की शाम को है। लवकुश पुल्लू और उसके लिए एक लड़की और एक उसकी तौलन खरीदी थी। अच्छा, कब की घटना है? ये घटना है परसों की शाम 4 बजे। मौत कब हुई है उनकी? मौत हुई है सुबह करीब। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए थे जब घर मतलब विवाद हुआ था? नहीं, इसकी शिकायत तो नहीं किए थे कहीं, थोड़ा दवा लेने गए थे। जिनकी गार्जियन स्वरूप रघु। सिद्धार्थनगर में सड़क किनारे बने घरों को गिराने का नोटिस दिया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर है। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बढ़नी चाफा में सड़क किनारे बनाए भवनों को गिराने का नोटिस दिया गया है, जबकि ये घर इन लोगों ने अपने आराजी में बना रखा है। इस क्षेत्र में कई ऐसे लोगों ने भी भवन बना रखे हैं जिनके पास कोई और जमीन और मकान नहीं है, जैसे कुछ लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन जबरदस्ती इनका मकान गिराने की नोटिस दे रहा है और ना ही कोई मुआवजा देने की बात कर रहा है। इस मामले को लेकर लोगों में खासा असंतोष व्याप्त है। वहीं इस मामले को लेकर सपा नेता चिंकू यादव ने कहा कि गरीबों की आवाज तोड़ने को लेकर हमने एसडीएम से बात की है और हम चाहते हैं कि गरीबों की जमीन का सर्कल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। वहीं इस मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी का कहना है कि लोगों ने सड़क की जमीन पर अपना मकान बना रखा है और उसके लिए लोगों को नोटिस दी गई है, लेकिन वह लोग अतिक्रमण हटाने के बजाय और समय मांग रहे हैं। नगर पंचायत प्रशासन इस अतिक्रमण को हटवा रहा है। वहीं इस मामले को एसडीएम त्रिभुवन कुमार का कहना है कि इस मामले की शिकायत मिली है जिसकी जांच की जा रही है, जो भी उचित होगा वह कार्रवाई की जाएगी। ये सही बात है कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत द्वारा मौके पर कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं जिसके संबंध में लोग संतुष्ट नहीं है और लोगों द्वारा शिकायत की गई है। इसके संदर्भ में हम विस्तृत खुद जांच करेंगे और देखेंगे कि यदि गलती हुई है तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और बाकी अभी जब हम विस्तृत जांच कर लें तो इसके स्थिति से जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराएंगे कि जिनका घर नंबर में था जो तोड़ा गया है उन्हें सर्किल रेट से मुआवजा मिले। और मैंने उनसे कहा है कि जो सड़क कागज में है आपके, उस सड़क से ज्यादा आप अतिक्रमण की बात मत करिए। और हम यो साहब आए थे, जबरदस्ती कर रहे थे, बोल रहे थे कि एक घंटे का समय दे रहा हूँ, उनसे समय मांग रहा था कि हमको समय दे दीजिए, जो 4-10 दिन का समय नहीं दिए, जबरदस्ती करने लगे हम साहब। हमारे पास कागज है, हमारे मकान का पूरा कागजात है, और उनसे मैंने कहा कि मुआवजा कैसे किया, कोई प्रावधान है? ये सही बात है कि फरुखाबाद में गंगा नदी के तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने माघ पूर्णिमा के दिन डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से खबर है। फरुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के गंगा तट पर आज माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गंगा तट पर श्रद्धालुओं को रात भर मेला चला, वहीं लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। आज करीब 5-6 लाख श्रद्धालु गंगा में स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने दान पुण्य भी किया। सिद्धार्थनगर में देह व्यापार रोकने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर है। आपको बता दें, सिद्धार्थनगर पंचायत बिस्कोहर पश्चिम टोला में देह व्यापार रोकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं बिस्कोहर पश्चिम टोला निवासी राजा और नरूल हुदा ने पुपला उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पश्चिम टोला में हो रहे देह व्यापार रोकने की मांग की। वहीं राजा ने बताया कि काफी दिनों से मैं मांग कर रहा हूं, पर मामला वही का वही है। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि धंधा न बंद होना पुलिस की नाकामी है। अगर बिस्कोहर चौकी पुलिस इस घिनौने काम पर ध्यान देती तो अब तक देह व्यापार का धंधा बंद हो गया होता। राजा काफी वर्षों से इस काम को रोकने की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि 11 जनवरी 2019 को बिस्कोहर पश्चिम टोला को एसडीएम त्रिभुवन प्रसाद ने गोद लिया था और शपथ खिलाई थी कि तुम लोग देह व्यापार छोड़ दो, मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल करूंगा। काफी वर्ष यह चलता रहा, लेकिन एसडीएम त्रिभुवन प्रसाद जब यहां चले गए तो वो उनका कोई देखभाल नहीं करने वाला था। वहीं आपको बता दें, गड़िकाए वहीं देहू व्यापार चालू कर दिया गया था। वहीं थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा ने देह व्यापार को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। पुलिस काफी सख्ती भी बरत रही है, लेकिन उसी परिवार से जुड़ा व्यक्ति पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहा है कि अभी भी देह व्यापार बंद नहीं हुआ।
अब इस पर पुलिस विभाग के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि पुलिस विभाग इस पर क्या कर रहा है आखिर। हमारा नाम नूर राउत पप्पू है, मैं जिला बस्ती का रहने वाला हूँ और राजा का मिनहत देखकर आज दो साल से ये इस आंदोलन का लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन ये कामयाबी नहीं पा रहे थे। मैं बस्ती जिला का रेड लाइट एरिया ख़त्म कराया हूँ इसलिए हमको याद किए, मैं आया हूँ तो इस जो पच्चू टोले में बेसा बेस्ती का धंधा चल रहा है इसको हर बाजार जिला सिद्धार्थनगर में इसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है इसको ख़त्म कराने के लिए ही आया हूँ कि हमारे टोले में वृक्षावृत्ति बंद कराया गया। कुछ दिन के पहले 13 कैमरा के डीएम साहब पेपरबाजी में हुआ था, 13 कैमरा डिस्कोर पश्चिम टोले लागना चाहिए जो 7 कैमरा लगा हुआ, 6 अभी बाकी हुआ, तो 13 तो लगना चाहिए। अब डिस्कोर पश्चिम टोले में जो फल फूल रही है, जो 40 वर्षों से अनिश्चित देह व्यापार हो रही है, जो 14 साल की उम्र में डाला जाता है व्यक्तियों को, स्थानीय पुलिस जानकर क्यों चुप है? डिस्कोर पश्चिम टोले का रिपोर्ट हम जब विरोध कर रहे हैं तो रिपोर्ट क्यों गलत लगाया जाता है? अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही, फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।